Hey guys, welcome back to my new vlog. अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि रात में एक आध घंटे ही सोए हैं तो भूख भी लगी हुई है. देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं. अब हमने पी ली है चाय और फ्रेश फ्रेश अब फील हो रहा है और हम चलेंगे. ओपन करो. अभी हम एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पे आए हैं और यहाँ पे है मेट्रो स्टेशन. हम अभी यरवाड़ा एरिया में, जो कि मुझे बहुत कूड़ा कबाड़ा जैसा लग रहा है. ये पुणे का जगह, इससे बढ़िया तो हमारा बनारस है. और आगे अभी चलते हैं, देखते हैं सही है. तो अभी हम खड़े हैं यरवाड़ा में और सर्च कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा है और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन सी जगह घूमने लायक है. और बेसिकली हम घूमने आए हैं तो सही सी जगह ढूंढ के ही जाएंगे. तो अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे. तो गाइज, बहुत सर्च करने के बाद हमें मिल गई है जगह जाने को, और वो है लोनावला. कहने में भी जीभ टेढ़ी हो जा रही है. तो अभी हम चल रहे हैं लोनावला. तो और कितना किलोमीटर है? 66 किलोमीटर. सवा घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में यहाँ से, यरवाड़ा से. और 66 किलोमीटर दिखा रहा है लोनावला यहाँ से. तो अब हम चल रहे हैं. लोनावला. नाला ही लग रहा है. इसमें भी नदी में भी पहाड़ बना हुआ है. नहीं, ये नदी रही होगी पहले, नाला काफी बदल गया है पुणे. कब आया पुणे से? ये मेट्रोपोल फिर से आ गया. अरे हम घूम रहे हैं क्या इसी में गोल गोल? नहीं नहीं, वो जैसे हम लोग वो नहीं पुल वाला, वहाँ कचहरी वाला, वैसा ये है. एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का. ओ, ओ, ये नाला वाला, नदी वाला. कौन सी नदी है? नदी है कि नाला है पता नहीं. बंडा गार्डन पंतरा. पुणे में भी ट्रैफिक मिल रही है. सच में सही, कितना सही विवाह है. वीडियो बंद कर, एक फोटो ले. व्यू बहुत अच्छा आ रहा है. आंखों से ऐसे देखने पे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैमरा में बहुत अच्छा आ रहा है. तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे. इनके तो चिड़ होते हैं. इधर पार्क है, पार्क ही है ना. अरे एक वो लग रहा है आर्मी का कुछ है. नहीं है ना, ये है ना गुड फेलो गेट. काफी अच्छा व्यू है. बादल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से हरियाली. कैमरा हो तो ऐसे जैसा, ऐसे जैसा आईफोन जैसा हो. हम लोग तो फालतू लेके घूमते हैं. कितना सटीक ऐसा बादल दिखा रहा है सही. अरे ये, और पेड़ तो देख कितना सही लगा हुआ है छतरी की तरह. अच्छा, तो इतना धूल में आके भी इतना हैंडसम विश्वास नहीं हो रहा मुझे. नहीं, ट्रैक करने जा रहे हैं. तस्वीर अच्छी है, गोल वाली टोपी भी होनी चाहिए थी. एक बार ऋषिकेश गया था अकेले. ये सारी बिल्डिंग एक तरह की बनी हुई है, देख. मतलब जहाँ जहाँ बनी है ना, सब एक तरह की बिल्डिंग बनी हुई है मुझे जहाँ तक दिखी. मेट्रो. अभी हम लोकल मार्केट में चल रहे थे. अभी हम नाश्ता ढूंढ रहे हैं खाने को, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ चाय मिली है. अभी इन लोग का कुछ बना ही नहीं है. तो अभी फिलहाल नाश्ता भी ढूंढा जा रहा है और अपने वे पे भी चल रहे हैं हम लोग. आ वीडियो नहीं बनती और हमारा अच्छा वाला सीन निकल गया. ड्राइवर साहब इतनी तेज नहीं चलाओ, रोड की डिमांड तो है, हम आदमियों की डिमांड नहीं है. उधर के बारे इसके सीसा पहुंचूंगी मैं. यहाँ पे जो भी है हरियाली बहुत ज्यादा है. नहीं,
वो जो पड़ जाता है। कितने की मिली है? एक कितने की मिली है? 60। ठीक है, 60 की है। सारा एक ही कलर ले लिया है? और लड़की वाले कलर थे। हाँ तो लड़की, मैं लड़की ही हूँ। और पूछा नहीं है किस चीज के यूज में है? नहीं, मुझे बोला नहीं। ये मिला है, एक मिला है 60। ये बस फायदा उठाया है, ये 60 की थोड़ी ना होगी। एग्जिट द राउंड अबाउट, मिल गया हमारा नाश्ता। अभी हम करेंगे नाश्ता, चाय भी पियेंगे ना। चाय मेरी जरूरी है, बिना चाय के कैसे होगा काम मेरा। तो चलते हैं गाइस, अभी नाश्ता कुछ करेंगे, उसके बाद चाय पी के फिर चलेंगे। क्या कहाँ है चाबी? कुछ बढ़िया सा देखना था इन्हीं को। बस चाय है, टोस्ट है, ब्रेड है। वहां पे कुछ खाने को मिल रहा था यार। ये मुझे नीचे 3 टोस्ट और 3 चाय 45 रुपए में हमने कॉफी लिया। नाश्ता करना है अभी नहीं, हमें कौन से चलाने, हम तो बैठना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, सफर कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना टाइम लगेगा जाने में? अभी मैंने तो निकाल दिया। अभी है 45 किलोमीटर शेष, 50 मिनट लगेंगे हमें जाने में। 8:59 पे अराइवल। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। जो हम देखने आए थे वो कुछ कुछ अब दिख रहा है। और अब भी हम चल रहे हैं मुंबई पुणे हाईवे पे। पहाड़ तो नहीं है, प्लेन नहीं है। हाँ ये पहाड़ लग रहा है थोड़ा, वन वन दिखाई दे रहे हैं, वन। ओ बादल और पेड़ एक ही में लग रहा है, मिल रहा है नहीं, धूल धूल ऊपर से लग रही है। वाओ मेरा पहाड़ पे वो जो घर लिखा है देहू कैंट। पहाड़ के साथ क्या ऐसी खासियत? अरे इस पे तो नहीं है उतना ही ऊंचा, ये भी लग रहा है शायद वो और ऊंचा होगा। तब इस वाले पे तो कोई धुआं नहीं है, उस पे है। आगे बढ़ेंगे तो रहेगा। अभी 40 किलोमीटर है ना। पुणे की सड़कें एकदम खाली थी, पहाड़ देखने का अच्छा व्यू आया तो ट्रैफिक लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपके ट्रैफिक मिला है। अरे वो बस में से कौन थूक रहा है? आगे व्यू आ गया। अरे भेड़, अरे ये तो मेरा सारा मजा खराब कर दे। इधर का पहाड़ अच्छा है, ऊपर चले ट्रैकिंग करेंगे आज। नहीं, नहीं, इस पे जाने लायक नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं है ना, लोग रहते हैं ना गंदगी ज्यादा। तो इसका भी तो व्यू पॉइंट अच्छा है, तो इसको भी टूरिस्ट प्लेस बना देना चाहिए। देहू रोड में आया हूँ, इस जगह का नाम है देहू रोड ना, और यहाँ पे देहू रोड का पुलिस स्टेशन। नाम भी गजब गजब है नहीं? अच्छा हमारा नाम इन सबको सुन के गलत अच्छा नहीं लगता होगा ना। मैं बना लूं वीडियो या ट्रैफिक ही चलेगी? लोनावला 36 किलोमीटर शेष मार्ग बचा है। अरे बादल सब हट गए, धूप भी हो गई। वाओ यू तो अच्छा है लेकिन बादल ही हट गए। अरे बहुत तेज धूप आ गई। ओए बंद कर अपना साउंड, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ क्यों रुके पड़े हैं लोग? अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो चढ़ तो रहे हैं ऊपर,
बना हुआ तो है चढ़ने, पन्नू की चाय इंडी लोकल। इतने बड़े हैं दिख ही नहीं रहे मुझे। नहीं इतने बड़े फिर भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। भूख लगी है तो खा ले कुछ। ओह वेस्ट हो गया। मैं फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया है नाश्ता करने के लिए। हमने ऑर्डर कर दिया है नाश्ता, आ रहा है हमारा, खाते फिर निकलेंगे। चलो भाई हो गई नाश्ती, नाश्ता हो गया अब चलो। और मसाला डोसा सांभर खाए और खा के अब हम चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। अरे अभी कितना आधे घंटे बचे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंचेंगे हम। ढाबा है, होटल लिखा हुआ है क्या, जगदम्बा होटल। यहाँ पे हम डेढ़ घंटे से रुके पड़े हैं क्योंकि हम रात भर का जगे हुए थे, फ्लाइट में एक ही घंटे सोए हैं तो हमें आ रही थी नींद, तो हमने गाड़ी साइड में लगा के नींद पूरी की। और शूज मैंने निकाल दिया था तो इसको मैं पहन रही हूँ अभी, और अभी चलेंगे होटल में। ढाबा है एक तरह से, और फ्रेश व्रेश होके फिर कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे। अभी लोनावला जो है अभी 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से जहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो अभी और आगे जाना है तो चलते हैं, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। और बारिश भी हो रही है, जैसा मौसम मुझे चाहिए वैसा मौसम हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये ढाबा है यहाँ लोकल, लकड़ियाँ खाना बनता है, इसमें बत्ती है। सीधा खाना आदमी सुधरना भी चाहे तो लोग सुधरने नहीं सकते। और गाइस हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे हमारे खाने लायक, हम चल रहे हैं वापस। अब हम चल रहे हैं लोनावला, 2 किलोमीटर शेष मार्ग बचे हुए हैं हमारे, डेढ़ घंटे बाद फिर से हमारी यात्रा शुरू। अरे चल लो ना जल्दी, चलो ड्राइव स्लोली, गो स्लो ड्राइव स्लो, सीट बेल्ट लगाओ, सीट कलेकर की। क्या फायदा ये सब पार्क बनाने का, कहाँ पार्क है बगल में, ओहो ये पार्क है। बारिश हो रही है लग रहा है, कोई आता ही नहीं उसमें।
चलिए गोलगप्पे खा के आते हैं। लेकिन मिलेगा कहाँ? मुंबई। इतने बड़े बड़े अमरूद। अरे वो रेन कोट है, हुडी नहीं, रेन कोट। वो बारिश नहीं ठंड नहीं है वहाँ पे, सारे के सारे रेन कोट है। मार्केट ओपन हो गई, मतलब 12 बजे होती है क्या? लोकल मार्केट है ना। भाई इसका नाम तो मुझे पहाड़ों में, वो पहाड़ वो कटा हुआ है, दीवार नहीं जुड़ी है ना। वॉटरफॉल से ज्यादा एक्साइटेड तो आप रेस्टोरेंट देखते हो जा रहे हो, नहीं क्यों? पड़ेगा कर। मेरे लिए कुछ ले लो खाने के लिए। भुजवा रहे हो? वॉटरफॉल मत करो, फोटो शूट इसको ठंड लग रही है इसी को लड़की जो है। वाओ वॉटरफॉल आ गए हम। थोड़ा सा गिर रहा है इधर, थोड़ा सा गिर रहा है, यही वॉटरफॉल है। अभी वो बोला ना कि जंगल में पैदल जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे जंगल में। तो गाइस और अंदर है तो उसके लिए पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर जाने का तो हिम्मत नहीं। फिर भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल घूमते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बादलों के अंदर घुस गए हैं। तो भाई हम आगे चल के दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं पत्थरों पे नहीं चढ़ूंगी, बस थोड़ा सा आगे तक दिखाऊंगी, गिर जाऊंगी तब।
हाँ मतलब तो नहीं है कोई। यहाँ पे लोग हैं बहुत कम है, लेकिन बारिश का मौसम है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। तो गाइस हमने वॉटरफॉल यहाँ का देख लिया है। बारिश हो गई है तेज, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अब हम चल रहे हैं आगे मेन वॉटरफॉल देख हम चलेंगे, कोई बहाना नहीं। लेकिन हम मेन वॉटरफॉल जाके रहेंगे। अगर रास्ता खराब हुआ तो हम लौट सकते हैं, नहीं तो ऐसी रोड नहीं तो हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है ड्राइवर मेरे। अभी आया है एक और फॉल, लेकिन इस पे कोई चढ़ के फोटो नहीं खिंचवा सकता, इसलिए इसको छोड़ दिए सब। यहाँ पहाड़ों में जहाँ से मन कर रहा है वहां से पानी बह रहा है। ऊपर कहाँ से आ रहा है? ऊपर पता नहीं कहाँ मेन एरिया होगा भैया। आप कुदरत का करिश्मा है, उधर भी जा रहा है नीचे, इधर भी आ रहा है, मतलब ऊपर और ऊंचा पहाड़ होगा। लगा देना गाड़ी पत्थर वाले पे, ज्यादा सही चल ले रही है ना। ओ भाई उधर ही है क्या वॉटरफॉल? गड्ढा नहीं ना है ये, चलें उस पे। वाओ उसको उतर के जाना पड़ेगा। लेकिन आगे आगे एक दिख रही है झोपड़ी, तो आगे भी कुछ होगा तभी ना। कौन सा वाटरफॉल जाने का है? पुणे 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 वाटरफॉल सर पीछे रहा। आगे क्या है? आगे कातलधरा वाटरफॉल, पीछे जाना पड़ता है पैदल, एक घंटा लगता है। छोटे छोटे वाटरफॉल है आगे। ये जो बीता यही पुणे था वो जिधर से तुमने हाईवे क्रॉस किया ना। हां हां इस ब्रिज के थोड़ा सा आगे वो पुणे वाटरफॉल, लेकिन वो बंद हो गया। हम कहीं और चले गए। यहाँ भी दिखा कुछ यहाँ भी है वाटरफॉल, छोटे छोटे हैं। इधर जा रहा है नीचे झोपड़ी दिख रही, इधर का पानी इधर जा रहा है और वहां से यही फॉल हो दिखाता होगा शायद। कुंतल क्या बोला? कुंतल यही दिखाता होगा। ऐसा होगा ना कि सारे पानी एक जगह इकट्ठा होते होंगे शायद। हम खतरों से खेल के वापस जा रहे हैं। जिस वॉटरफॉल पे हमें जाना था वो मिला नहीं, और कुछ और देख के हम जा रहे हैं वापस। पता मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आई एम अ टक्कर पहलवान। क्या बोला? थक्कर टक्कर ही करता है। निकले थे हम कुने वाटरफॉल देखने के लिए और वो हमें नहीं दिखा, शायद बंद हो गया है क्या है, रास्ता वास्ता सब। बढ़िया मिल गया जिसमें जिसको हमने देखा और बहुत मजा आया देख के। और अब हम जा रहे हैं वापस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।